ओके सो हम डिस्कस कर रहे थे मीन स्क्वेयर एरर को, राइट? सो मीन स्क्वेयर एरर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक दफा माइनस कर दिया, एक दफा प्लस कर दिया, और हमने कहा कि दिस इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू बायस। इसमें एक दफा माइनस और प्लस करके इसको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा क्या यही फार्मूला आता है या नहीं आता, ठीक है? अगर ना समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा। सो आइडिया बेसिकली ये है कि जब हम यहाँ पे करेंगे तो बेसिकली ये ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर बन गया, और जो माइनस टू इंटू होगा वो बेसिकली जीरो के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मीन। और वो मीन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है? ओके सो हमें क्या पता चला कि जो मीन स्केयर ऑफ एस्टिमेटर होता है वो किसके बराबर होता है, मीन स्केयर ऑफ एस्टिमेटर बराबर होता है जी वेरियंस ऑफ दैट एस्टिमेटर प्लस बायस स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू द मीन स्केयर एरर। ओके तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मीन स्केयर एरर को यूज करेंगे टू कंप्यूट आउट द रिलेटिव एफिशिएंसी। हमने क्या किया कि सपोज हम कहते हैं कि जी म्यू है, म्यू का एस्टिमेटर एक्स बार है, वी नो दैट। हमने एक हम कहते हैं कि जी हम डिफरेंट डाटा वैल्यूज सपोज ले रहे हैं, या हमने क्या किया है कि एक दफ़ा जब उसको एस्टिमेट किया तो एक्स बार की वैल्यू आई आगे कुछ भी वैल्यू, और दूसरी दफ़ा हमने दिया तो उसके उस एस्टिमेटर की वैल्यू आपके पास आ रही है कुछ और। अब हम क्या करते हैं कि हम उसको डिवाइड करेंगे, मीन स्केयर ऑफ एस्टिमेटर वन डिवाइडेड बाई मीन स्केयर ऑफ एस्टिमेटर टू, ठीक है? लाइक जैसे हम कह देते हैं कि जी हम सपोज म्यू के लिए एक्स बार और मीडियन कैलकुलेट करते हैं, राइट? सो मीन स्केयर एस्टिमेटर ऑफ एक्स बार और मीन स्केयर एस्टिमेटर ऑफ मीडियन जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं, अगर आपके पास इसका आंसर लेस आता है सो दैट मीन कि जो आपके पास जो है लेस देन वन आता है तो इट मीन जो फर्स्ट एस्टिमेटर है दैट इज बेटर देन द एस्टिमेटर ऑफ टू द सेकेंड एस्टिमेटर। क्लियर? इज इट क्लियर कि सपोज अगर ये हम म्यू के लिए एस्टिमेटर करते हैं, उसका एक एस्टिमेटर एक्स बार और एक है मीडियन, हमने क्या कर दिया मीन स्केयर ऑफ एक्स बार और मीन स्केयर ऑफ मीडियन, राइट? और हमने क्या किया कि आपके पास अगर इसका आंसर आ जाता है जी लेस देन वन सो इसका मतलब है मीन स्केयर ऑफ एक्स बार स्मॉलर है, सो दैट इंडिकेट कि जो एक्स बार है वो ज़्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू मीडियन फॉर द एस्टिमेटिंग द म्यू, राइट? इज इट क्लियर? जी सर। ओके सो इसी को ही बेसिकली यहाँ पर डायग्राम के जरिए शो किया गया कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हमारे पास एस्टिमेटर्स ये आ गए, सो ये पैरामीटर है, ये दो एस्टिमेटर्स हैं, ठीक है? सो हम क्या कहेंगे कि एस्टिमेटर जो है वो अनबायस तब होगा अगर उसकी एक्सपेक्टेशन इक्वल है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि वो हम ये कहते हैं कि इवन आपका जो एस्टिमेटर है वो बायस्ड हो, ठीक है? यस सर। ठीक है जी सर। हम उस बायस्ड एस्टिमेटर को प्रेफर करेंगे अपने अनबायस्ड एस्टिमेटर के ऊपर, ठीक है? अगर वो एफिशिएंट होगा तो मीन इट हैज द स्मॉलर मीन स्क्वायर एरर, राइट? राइट सर। इसकी क्या वजह है, रीजन व्हाई? फिलहाल तो नहीं। एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा कंसिस्टेंसी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कंपेयर टू टारगेट, ठीक है? राइट सर। क्योंकि अनबायस्ड जो है वो आपको जस्ट एग्जैक्टली टारगेट सेंस में बताता है कि एग्जैक्टली वो उसके इक्वल है या नहीं है, लेकिन एफिशिएंसी में ये बताती है कि वो ज्यादा एफिशिएंट मीन ज्यादा कम वेरिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल। सो इसलिए हम उसको कह देते हैं कि वो ज्यादा अच्छा है। सो इसलिए हम बायस्ड एस्टिमेटर को उस वक्त अनबायस्ड के ऊपर प्रेफरेंस देंगे कि अगर उसका जो रिलेटिव एफिशिएंसी है वो लेस देन वन आ रही है, मीन स्केयर एरर वो लेसर प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉलर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? सही सर।
Is it clear? Yes, sir. Okay. अब हम आते हैं जी उन मेथड्स की तरफ. सो अभी हमने बेसिकली जो डिस्कस किया वो ये हमने किया, स्टेप नंबर वन पे हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया और हमने डिस्ट्रीब्यूशन की शेप आइडेंटिफाई की. स्टेप नंबर टू क्या था कि हमने कहा अब हम उस डेटा को यूज करते हुए अपने पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे. उस एस्टिमेशन करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन मेथड और दूसरा है मूवमेंट्स मेथड, मेथड ऑफ मूवमेंट्स. सो हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर. लेकिन इस मेथड को पढ़ने से पहले हमने ये कहा कि वी शुड बी मेक श्योर दैट कि वो जो एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और वो एफिशिएंट होना चाहिए. सो उसको हमने कैसे चेक करना है वो हमने डिस्कस कर लिया. राइट ओके. अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, अब हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं विच इज कॉल्ड द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन. कि अगर हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं अब हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ओके हमने अगर ये कह दिया कि इस पर्टिकुलर डेटा का के ऊपर जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सूटेबल है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड वी नो दैट कि उसका पैरामीटर होता है लैम्डा. सो हाउ वी विल कंप्यूट आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. सो उसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है दैट इज द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर. अब मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर वो क्या कहता है, वो कहता है ये है कि आप उस डिस्ट्रीब्यूशन कि हर वैल्यू को, मतलब यहाँ पे क्या है थीटा जो है दैट इज द पैरामीटर. ठीक है, ये मैं यहाँ पे जो फंक्शन लाइकलीहुड फंक्शन लिख रहा हूँ वो सिंगल पैरामीटर, सिंगल अननोन पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहा हूँ. सो एल थीटा इज अ लाइकलीहुड फंक्शन और इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर विच इज थीटा. एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन जो है दीज आर द वैल्यूज फ्रॉम दैट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, वो क्या कहता है कि आप हर वैल्यू को अपनी उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पुट करो और फिर क्या करो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो. राइट राइट. तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, लाइकलीहुड फंक्शन. ठीक है, अब हमने इसको जब मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यही जो मल्टीप्लिकेशन है ये किसके बराबर हो जाएगी कि अगर हम दोनों तरफ ले लें नेचुरल लॉग मीन लॉग ले लें तो एल एन एल थीटा. ठीक है, और हम इधर भी एल एन ले लेंगे इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस. ठीक है, और हम फिर क्या करेंगे इनको करेंगे डिफरेंशिएट. सो बेसिकली हमने क्या करना है अपने इस लाइकलीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, सो वो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट फर्स्ट टाइम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर और उसको इज इक्वल टू जीरो पुट करते हुए हम क्या करेंगे उस पैरामीटर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, और स्टेप नंबर टू पे हमें क्या करना है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन. सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि आप उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे और अगर वो लेस देन जीरो है तो इट मीन पैरामीटर की उस वैल्यू के ऊपर जो है वो आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज है. यही होता है ना. राइट सर. ठीक है, कनकेव है मीन फंक्शन वो कनकेव है. सो अब हम करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी हर वैल्यू के अकॉर्डिंग. जी जी हेलो सर, आपकी आवाज आना बंद हो गई. अब सही है. हेलो हेलो हेलो